हेलो एवरीवन वेलकम टू माय ट्यूब चैनल आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट ट्री डायग्राम्स ट्री डायग्राम का क्या कंसेप्ट है सिंटेक्स और ग्रामर में सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड ट्री डायग्राम्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज टू क्रिएट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर इज थ्रू ट्री डायग्राम्स सिंथेटिक स्ट्रक्चर के सेंटेंसिस की विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ट्री डायग्राम का यूज़ करते हैं वी कैन यूज अ सिम्पल इंट्रोड्यूस्ड इन चैप्टर सेवन चैप्टर सेवन में हमने कुछ सिंबल्स को इंट्रोड्यूस कराया था चैप्टर सेवन पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अदरवाइज़ आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं वहाँ पे पूरी वीडियोस है सिंटेक्स और ग्रामर से रिलेटेड सो so उसको आप लोग देख सकते हैं अब जैसे आर्टिकल को ए आर टी से रिप्रेजेंट किया जाता है नॉन को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है एन पी को नॉन प्रेस से रिप्रेजेंट किया जाता है टू लेबल पार्ट्स ऑफ दिस

With its branches shown on the right, seems to grow down rather than up. It functions rather well, as well as diagram representing all the grammatical information found in in the other analysis on the left. अब होता कुछ यू है कि tree diagram से मराठ सिर्फ ये नहीं कि आपने simple जो sentence लिखा तो उसकी जो है आप tree diagram बना के यही कि यही tree diagram है. No. Tree diagram को हम further भी divide कर सकें. उसके branches बन जाते हैं. जैसे वर् प्रेज में जो है प्रपोजिशनल प्रेज आ जाती है फिर इसी तरह नॉन प्रेज में जो है एक्स्ट्रा नॉन प्रेज एक और नॉन प्रेज आ सकता है इसी तरह वर्ब में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे डिटरमिनर्स आर्टिकल्स आ सकते हैं तो ये इसके मतलब इसको ब्रांचेस कहा गया है

अब सेंटेंस को हम डिवाइड करते हैं नाउन फ्रेज में ये नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में अब नाउन फ्रेज में क्या है द हमारे पास क्या है डिटरमिनर है और टीचर हमारे पास क्या है नाउन है और गेव हमारे पास क्या है वर्ब फ्रेज में अब बात करते हैं वर्ब फ्रेज की वर्ब फ्रेज में गेव हमारे पास क्या है वर्ब है और होमवर्क क्या है होमवर्क ओबियसली एक नाउन है लेकिन गेव होमवर्क क्या है हमारे पास एक नाउन फ्रेज एक्स्ट्रा बन गया इसी तरह टू जो है हमारा टू द टू हिज स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रेपोजिशनल प्रेस बन गई और टू हमारे पास क्या है प्रेपोजिशन है और इसी तरह हिज स्टूडेंट्स हमारे पास एक और नाउन प्रेस बन गई हिज़ हमारे पास क्या है डिटर्मिनर है और स्टूडेंट हमारे पास क्या है जो है नाउन है तो ये इस तरह हम जो है ट्री डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं ये इतना इजी नहीं है इसकी बड़ी प्रैक्टिस चाहिए प्रैक्टिस करनी होगी तभी आपको समझ आएगी अब अगला सेंटेंस है द टॉल बॉयस वर्ल्ड हिज मिल्क अब ये एक पूरा सेंटेंस है ये पूरा एक सेंटेंस है अब इसमें देखते हैं सबसे पहले हमने नाउन प्रेज फिर वर्ब प्रेज लिखना है अब नाउन प्रेज में द क्या है हमारे पास डिटरमिनर है टॉल क्या है ये एडजेक्टिव हुआ और बॉय क्या है हमारे पास एक नाउन है अब वर्ब प्रेज की बात करते हैं तो स्पेल जो है हमारे पास वर्ब है अब एक और वर्ब नॉन प्रेज़ यहाँ पे बन गई हिज़ मिल्क जो है हमारे पास एक और नॉन प्रेज बन गई अब हिज़ को क्या कहेंगे इंग्लिश में डिटरमिनर और नाउन को सॉरी मिल्क को क्या कहेंगे नाउन अब यहाँ पे एक और सेंट द चेफ़ ये क्या है ये पूरा एक सेंटेंस है तो नॉन प्रेज नॉन प्रेज पहले फिर वर्ब प्रेज अब ये द के हमारे पास डिटर्मिनर है चैफ़ जो है नाउन है कुक्स जो है ये वर्ब है और एक और नॉन प्रेज बन गई द सूप नॉन प्रेज एक और बन गई द फिर हमारे पास डिटर्मिनर है और सूप हमारे पास नाउन है ये दूसरे सेंटेंसेस लाइक अ डॉग फॉलोड द बॉय यू सॉ इट अब ये दो सेंटेंसेस हैं तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले सेंटेंस है ये ठीक है फिर उसके बाद हमेशा ये याद रखना नाउन प्रेज और वर्ब प्रेज को रिप्रेजेंट किया जाता है अब नाउन प्रेज को फर्दर डिवाइड किया जाता है नाउन प्रेज में क्या है ये हमारे पास आ क्या है आर्टिकल है और डॉ क्या है नाउन है इसी तरह वर्ब प्रेज में जो फॉलोड है वो वर्ब है और वर्ब प्रेज में एक और नॉन प्रेज बन गई क्या बन गई द बॉय द बॉय के साथ फिर ये आर्टिकल है द और बॉय जो है नाउन है और यू सॉ इट ये अगेन एक सेंटेंस है ठीक है अब यू सो के बाद ये एक नाउन प्रेज भी है और वर्ब प्रेस भी है यू सो इट सपोज यहाँ पे यू क्या है प्रोनाउन है अब ये एक चीज़ याद रखना ज़रूरी नहीं है कि जब नाउन प्रेस की हम बात करते हैं तो नाउन के साथ मतलब कोई नाम ही आएगा यहाँ पे देख सकते हो आप यू आया है तो यू जो है यू भी नाउन प्रेज़ में ही आता है यू तो एक्चुअली में प्रोनाउन है बट अकॉर्डिंग टू तो ट्री स्ट्रक्चर या ट्री डाइग्राम्स यू को या ई शी इट वी यू दे जितने भी प्रनाउंस uh, है उनको हम नॉन प्रेज में कन्वर्ट नॉन प्रेज में कंसिडर करते हैं इसी तरह अब सौ इट ये सो जो है हमारे पास वर्ब है और नॉन प्रेज अगेन बन गई क्या है इट जो है अगेन एक वर्ब नॉन प्रेज है और एक प्रोनाउन भी है साथ में सो दिस वॉज ऑल अबाउट टू आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हफे टेक केयर ऑफ़ अफेयर्स